हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने टैली मार्क्स के उपयोग के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। चंपापुर में भारी वर्षा हो रही है। काफी जगहों पर रास्ते खराब हो गए हैं। स्कूल तक जाने वाली सड़क के खराब होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पंचायत ने तय किया है कि सभी गांव वाले मिलकर सड़क दुरुस्त करने में मदद करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप भी इस कार्य में हाथ बटाएं। चंपापुर न्यूज की तरफ से कैमरामैन बन्नी के साथ मैं बब्बन रिपोर्टर आप तक ये लाइव न्यूज पहुंचा रहा हूं। देखते रहिए चंपापुर न्यूज। बबलू और राजू ने टीवी पर ये न्यूज देखी। चलो बबलू, हम भी गांव वालों की मदद करने चलें, राजू ने बबलू से कहा। जब राजू और बबलू सड़क दुरुस्त करने में मदद करने के लिए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चाचा ने एक बोर्ड पर इस तरह की तालिका बना रखी है। हमें सड़क दुरुस्त करने के लिए कुल 48 घंटे लगेंगे। हर रोज मैं दिन के अंत में उस दिन जितने घंटे काम होगा उसे इस तालिका में टैली मार्क्स बनाकर दर्ज कर लूंगा। चाचा ने वहां मौजूद गांव वालों से कहा। एक हफ्ता पूरा हुआ और सभी गांव वालों ने कड़ी मेहनत करके सड़क दुरुस्त कर ली। सभी गांव वाले जानने के लिए उत्सुक हैं कि किस दिन सबसे अधिक काम हुआ। बच्चों, क्या आप इस तालिका को देखकर बता सकते हैं कि गांव वालों ने सबसे अधिक काम किस दिन किया है? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका हल ढूंढ सकते हैं। पहले हम हर दिन हुए काम के टैली मार्क्स को गिनकर उसकी संख्या को इस तरह से लिख लेंगे। सोमवार को 12 घंटे सबसे ज्यादा काम हुआ। अरे बबलू देखो, इस दिन के अंत तक हमने कुल घंटों के आधे से ज्यादा घंटे पूरे कर लिए थे, राजू ने बबलू से कहा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि राजू किस दिन की बात कर रहा है? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। गांव वालों को मिलकर कुल 48 घंटे काम करना था। 48 का आधा होगा 24। इसलिए इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए पहले हमें हर दिन के अंत तक हुए काम के घंटों का कुल जोड़ ढूंढना होगा। फिर हमें ये पता लगाना होगा कि किस दिन के अंत तक 24 से ज्यादा घंटे पूरे हुए थे। सोमवार के अंत तक 12 घंटे पूरे हुए थे। मंगलवार के अंत तक 12 में 7 जोड़ 19 घंटे पूरे हुए थे। बुधवार के अंत तक 19 में 9 जोड़ 28 घंटे पूरे हुए थे। क्योंकि 28 24 से ज्यादा है, बुधवार के अंत तक कुल काम के घंटों के आधे से ज्यादा घंटे पूरे हो चुके थे। इसका मतलब राजू बुधवार के दिन के बारे में बात कर रहा है। हाँ राजू, और देखो इस दिन ये दिन से 4 घंटे अधिक काम हुआ था, बबलू ने राजू से कहा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि बबलू किन दो दिनों की बात कर रहा है? इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए हमें ऐसे दो दिन ढूंढने होंगे जिनमें हुए काम के घंटों के बीच का अंतर 4 हो। अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि मंगलवार को 7 घंटे काम हुआ था और गुरुवार को 11 घंटे, जो 7 से 4 ज्यादा है। इसलिए बबलू मंगलवार और गुरुवार के बारे में बात कर रहा है। राजू, हमने इतने परिश्रम से आखिर स्कूल का रास्ता दुरुस्त कर ही लिया। हाँ बबलू, मान गए,
एकता में सचमुच बहुत बल होता है। चलो हम घर चलकर कल स्कूल जाने की तैयारी कर लें। सभी गांव वाले खुशी खुशी अपने अपने घर लौट गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा टैली मार्क्स के उपयोग के बारे में और जाना।